गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास वंस अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, बर्ड्स। आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बर्ड्स आर दी ओनली एनिमल्स विद फेदर्स। पूरे वर्ल्ड में केवल बर्ड्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर फेदर्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की बर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन सभी बर्ड्स पे कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। जैसे बर्ड्स के पूरी बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके टू लेग्स होते हैं, एक बीक होती है, दो आइज प्रेजेंट होती हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं और टेल प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विंग्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के विंग्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं और किस कंडीशन में उड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हेरॉन्स, इनके लॉन्ग विंग्स होते हैं और पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड्स पॉइंटेड होते हैं, जो इन्हें स्पीड में उड़ने में और ग्लाइड करने में यानी पानी के ऊपर फिसलने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स के ब्रॉड यानी चौड़े और लंबे विंग्स होते हैं और इनके फेदर्स भी लार्ज होते हैं यानी बड़े बड़े फेदर्स होते हैं, जो इनको बहुत ऊंचाई पर उड़ने में और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स लाइक फिंचर्स एंड हमिंग बर्ड, इनकी बॉडी छोटी होती है और विंग्स भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कंटिन्यूसली अपने विंग्स को मूव करना पड़ता है फ्लाई करने के लिए। इसीलिए इनके विंग्स बहुत लाइट वेट फेदर्स के बने हुए होते हैं और स्मॉल होते हैं। सभी बर्ड्स की बॉडी फेदर्स से कवर होती है। बर्ड्स की बॉडी पर फोर टाइप ऑफ फेदर्स पाए जाते हैं। जो फेदर्स की लेयर होती है वो बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखने में यानी गर्म रखने में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल होते हैं, जो उन्हें फीमेल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैमोफ्लाज करने में यानी छुपने में हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फेदर इज डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स स्मॉल और फ्लफ़ी फेदर्स होते हैं, यानी ये छोटे होते हैं और फूले हुए होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं। ये बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स वो फेदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को कवर करने का काम करते हैं और डाउन फेदर्स से थोड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स ऐसे फेदर्स होते हैं जो कि बर्ड्स की विंग्स पर प्रेजेंट होते हैं और बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टेल फेदर। टेल फेदर्स टेल पर प्रेजेंट होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ये बर्ड को फ्लाई करते टाइम डायरेक्शन को चेंज करने में और बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स उड़ती कैसी हैं। ज़्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं। बर्ड्स के पास उड़ने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए फ्लाइट फेदर्स और टेल फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं यानी अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से वो हल्की होती हैं और उनमें एयर फिलअप होती है, जो कि उनकी बॉडी को लाइट वेट बनाते हैं, जो उड़ने में उन्हें हेल्प करता है। बर्ड्स की बॉडी का शेप बोट शेप होता है, जो ईजिली उन्हें एयर को कट करते हुए उड़ने में हेल्प करता है। उड़ने के लिए बर्ड्स अपने विंग्स को अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक यानी ऊपर और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के चेस्ट से विंग्स तक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो उन्हें कंटिन्यूसली अपने विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं बिना रुके। उन्हें हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। तो फ्लाइट मसल्स की वजह से ही बर्ड्स अपने विंग्स को कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स डू नॉट च्यू देयर फूड। उनके पास टीथ नहीं होते हैं फूड को च्यू करने के लिए या बाइट करने के लिए। उनके पास एक बीक होती है जिसकी हेल्प से वो अपने फूड को कट, क्रश और टियर करके खाते हैं। इसके अलावा बर्ड्स
अपने बीक का यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स को पिक करके अपना नेस्ट बनाने में, अपने यंग वंस को खाना खिलाने में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने फेदर्स को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। बर्ड्स जिस टाइप का फूड खाते हैं उनकी बीक का शेप भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स। काइट, ईगल, हॉक, इन सब की बीक आगे से बहुत शार्प यानी नुकीली और स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड है यानी घूमी हुई है। इनकी बीक ऐसी इसलिए होती है ताकि ये इजीली किसी भी एनिमल के फ्लैश को टियर कर सके यानी काट सके। ये सभी बर्ड्स छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को, फ्रॉग्स को, माइस और स्नेक्स को पकड़कर खाते हैं। उनके फ्लैश को काटने के लिए ही इनकी बीक का शेप्ड कर्व्ड और इतना शार्प होता है। इस तरीके की बीक को हम पियर्सिंग और टियरिंग बीक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड स्टोनी बीक्स। ऐसे बर्ड्स जो ग्रेन्स को क्रश करके या सीड्स को क्रश करके खाते हैं उनकी बीक शॉर्ट, हार्ड और स्टोनी होती है यानी पत्थर जैसी सख्त होती है। ऐसी बीक्स को हम क्रशिंग बीक्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो, पिजन एंड फिंच की बीक। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। वुडपेकर की जो बीक होती है वो चीजल शेप्ड होती है यानी छेद करने वाले एक औजार जैसी होती है। ये अपनी बीक से बार्क पे यानी पेड़ों पर वार करता है और पेड़ से आने वाली आवाज़ से वो समझ जाता है कि अंदर से पेड़ खोखला है या नहीं। अगर उसे पता चल जाता है कि पेड़ खोखला है तो वो वहाँ पर छेद बनाकर वहाँ से इंसेक्ट्स को निकाल कर खाता है। ऐसी बीक को हम चीजलिंग बीक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। हुपू एक ऐसा बर्ड है जिसकी लॉन्ग और स्लेंडर यानी पतली बीक होती है जो कि पेड़ों के छेद से कीड़े निकालकर खाने के काम आती है। ये ज़मीन से भी कीड़ों को निकालकर इजीली खा सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डक की जो बीक होती है वो ब्रॉड यानी चौड़ी और फ्लैट होती है यानी चपटी होती है और इनके बीक के ऊपर छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मडी वाटर में इंसेक्ट्स को और वर्म्स को ढूंढने जाते हैं तो मडी वाटर इनके टाइनी होल्स में एंटर कर जाता है और इस तरीके से इंसेक्ट्स और प्लांट्स या वर्म्स उनकी बीक के अंदर अटक जाते हैं और वो उन्हें खा लेते हैं। ऐसी बीक को हम शिफ्टिंग बीक भी कहते हैं। सभी बर्ड्स के टू लेग्स एंड फीट होते हैं। लेग्स और फीट बर्ड्स को उनका फूड पकड़ने में और खाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लेग और फीट्स बर्ड्स को वॉक करने, स्विम करने, क्लाइंब यानी चढ़ने में पेड़ों पर हेल्प करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के फीट होते हैं। हर फुट में टोज पाए जाते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स के फोर टोज होते हैं हर एक फुट में और टोज के टिप पर क्लॉज प्रेजेंट होते हैं यानी नाखून पाए जाते हैं। अलग अलग बर्ड्स के टोज का और क्लॉ का अरेंजमेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस का होता है। आइए कुछ बर्ड्स के टोज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज बर्ड्स ऑफ प्रे यानी ऐसे बर्ड्स जो शिकार करके अपना फूड खाते हैं, जैसे वल्चर्स, आउल्स, हॉक्स, काइट्स एंड ईगल्स। इनके जो टोज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके क्लॉज कर्व्ड होते हैं यानी थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। इन्हें टैलॉन्स भी बुलाया जाता है और ये फ्लैश को टियर करने में हेल्प करते हैं। इनके पैर में सामने की तरफ तीन टोज और पीछे की तरफ एक टो होता है ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सकें।
नेक्स्ट इज़ पर्चिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो बहुत ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बैठते हैं, उनके टोज एंड क्लॉज का शेप ऐसा होता है कि वो अच्छे से उन डालियों को पकड़ कर रख सकें। ऐसे बर्ड्स को ही हम पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोज, स्पैरोज एंड मैनाज। ये बर्ड्स इवन ब्रांचेस को पकड़े हुए सो भी सकते हैं। हैं जैसे बर्ड्स के जो टोज और क्लॉज होते हैं वो मड को यानी कीचड़ को और मिट्टी को डिग करने के लिए यानी खोदने के लिए बने हुए होते हैं। ये मिट्टी को खोदकर उनसे इंसेक्ट्स और बरीड सीड्स को निकालकर खाते हैं। इनके फ्रंट में 3 टोज होते हैं और एक शॉर्ट टो थोड़ा सा बाकी टोज से ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लाइंबिंग बर्ड्स के जो टोज होते हैं, सामने की तरफ 2 टो और पीछे की तरफ 2 टो होते हैं, जिसकी हेल्प से ये इजीली पेड़ों के ऊपर और नीचे चढ़ सकते हैं और साइड में भी चल सकते हैं। ऐसे बर्ड्स इजीली पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ऐसे बर्ड्स जो पानी में स्विम करते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं, जैसे डक्स, पेलिकन्स, स्वान्स एंड पेंगुइन्स। इनके फ्रंट में 3 टोज होते हैं जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं और एक छोटा टो होता है जो इनसे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका कोई स्पेशल फीचर नहीं होता है। बर्ड्स अपने अंडों को रखने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए टेम्प्रेरी होम बनाती है, जिसे हम नेस्ट कहते हैं। बर्ड्स ग्रास, ट्विग्स, ड्राई लीव्स, फेदर, कॉटन, वूल, थ्रेड, पीस ऑफ क्लोथ, बिट्स ऑफ पेपर एंड पेबल्स का यूज़ करके अपने नेस्ट को तैयार करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप के नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। क्रोज एंड स्पैरोज बहुत हाइट पर डीप कप शेप्ड का नेस्ट बनाते हैं, जो उनके अंडों को और बच्चों को बाहर गिरने से प्रिवेंट करता है यानी बचाता है। टेलर बर्ड 2-3 चौड़े पत्तों को अपनी बीक की हेल्प से थ्रेड या वूल से स्टिच कर देती है, जिससे उसका घोंसला तैयार होता है और उस घोंसले के अंदर वो कॉटन, वूल, हेयर या ड्राई ग्रास भर देती है, जिससे वो बहुत कोजी हो जाता है यानी गर्म और कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड। वीवर बर्ड बच्चों के पालने जैसा लटकने या झूलने वाला नेस्ट बनाती है। इसके नेस्ट के नीचे की तरफ इसकी ओपनिंग होती है यानी अंदर जाने और बाहर जाने का रास्ता होता है, जिसके थ्रू बर्ड इसमें एंटर करती है और ये इतने अच्छे से ट्विग्स को और ग्रास को बुनकर अपना नेस्ट बनाती है कि इसके बच्चे इसके नेस्ट में बिल्कुल सेफ रहते हैं और बाहर नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट इज़ केयरिंग फॉर द यंग वंस। जैसे आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रखते हैं, वैसे ही बर्ड्स भी अपने एग्स का और यंग वंस का ख्याल रखते हैं। जब मदर बर्ड्स अंडे देती है, उसके बाद वो उनके ऊपर बैठती है ताकि वो अंडों को गर्म रख सके और प्रोटेक्ट कर सके। कुछ केसेस में फादर और मदर दोनों आपस में चेंज होकर एक के बाद एक अंडों की देखभाल करते हैं। जब उन एग्स में से बर्ड्स के बेबीज बाहर निकलते हैं, तो वो बहुत वीक होते हैं और फेदरलेस होते हैं और उनकी आईज भी क्लोज्ड होती है। तब मदर पेरेंट या फादर पेरेंट बर्ड उनको अपनी चोंच से खाना खिलाते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, और ये तब तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े ना हो जाएं और उड़ना ना सीख जाएं और ख़ुद से अपना फूड खोजना ना सीख जाएं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, क्या खाते हैं और कैसे अपने बेबीज़ का ख्याल रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।